सलमान खान के लिए आज की सुबह काफी टेंशन भरी रही। बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान की जान बची है। भाईजान के बांद्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर आज सुबह 14 अप्रैल को दो अज्ञात शख्स ने फायरिंग की है। पहले दोनों शख्स बाइक से आए हैं और फिर अपार्टमेंट के बाद हवा में 3 राउंड फायरिंग की। फायरिंग की सूचना मिलने पर सलमान खान के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस अब इसकी जांच में भी जुट गई है। इसकी जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने बताया है कि बाइक पर दो अज्ञात सवार आए और रविवार सुबह सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने लगे। दोनों सुबह करीब 5 बजे सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 3 राउंड फायरिंग करके और वहां से फरार हो गए। लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, साल 2023 में भी सलमान खान को एक के बाद एक कई बार जान से मारने की धमकी मिली थी। कभी उन्हें मेल पर धमकी दी गई तो कभी फोन करके सूचना दी गई कि इन धमकियों के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम था, जिसके बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सलमान खान जेल में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी थी। बिश्नोई ने कहा था कि सलमान खान, ये सोच के मूर्ख मत बनो कि दाऊद इब्राहिम तुम्हें हमारी पहुंच से बचा सकता है, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ये सिलसिला यहाँ ही नहीं थमा। इसके बाद सलमान को गोल्डी बरार की तरफ से भी जान से मारने की धमकी मिली। वहीं एक अनजान शख्स की तरफ से सलमान की टीम को एक धमकी भरा ईमेल भी आया था, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई थी। ईमेल भेजने वाले की पहचान 21 साल के धाकड़ राम रोहिचा थी। इसके बाद आरोपी को अरेस्ट किया गया था। आपको बता दें, ये खबर सुनने के बाद लोगों को भी काफी झटका लगा है। लोगों ने इस पर चुटकी भी ली है। आइए आपको दिखाते हैं आखिर लोगों ने किस तरीके के रिएक्शन दिए हैं। एक यूजर ने लिखा, सर हम फैंस आ रहे हैं, टेंशन मत लो। वहीं एक और यूजर ने लिखा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। वहीं एक और यूजर ने लिखा, लॉरेंस ने ईद ही भेजी होगी। वहीं एक और यूजर ने लिखा, बिश्नोई ने भेजा ईद मुबारक करने के लिए, वो तो जेल में है इसलिए शूटर को भेजा। वहीं एक और यूजर ने लिखा, बिश्नोई को 2-4 करोड़ और चाहिए होंगे लगता है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, अगर सलमान भाई को कुछ हुआ उस लॉरेंस को जेल में घुस के मारूंगा। फिलहाल ये तो थे लोगों के रिएक्शन। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।